गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्टेड फिफ्थ सब्जेक्ट ईएनवी, चैप्टर नंबर 23 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो ये लेसन हमारा दो तीन लेक्चर से स्टडी हो रहा है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, तो ये लेसन में हमने सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में स्टडी किया, मशीन एंड वाटर व्हील्स। ओके, तो इसमें हमारे टॉपिक्स कौन से आते थे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। लेसन का नाम है मशीन एंड वाटर व्हील्स। तो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर से ये लेसन स्टडी किया है। तो लास्ट पीरियड में हमने इसकी एक्सरसाइज लिखी थी, आंसर इन वन वर्ड लिखा था हमने और ट्रू फॉल्स लिखे थे। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक है, जो क्वेश्चन आंसर का टॉपिक अब हम स्टडी करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन, what is the difference between क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो जब भी मैं डिफरेंस आपको वर्कशीट में पूछती हूँ, तो कुछ लोग उसको ऐसे पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो उस तरह से नहीं लिखना। डिफरेंस को हमें अलग ही ऐसे बीच में लाइन करके लिखना है, इस तरह सिंपल मशीन एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स मशीन। इस तरह से डिफरेंस लिखते हैं। अब हम सिंपल मशीन का लिखेंगे।
तो फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा हो रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन डिफरेंस हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। सिंपल मशीन के लिए हमने लिखा सम मशीन वेरी फ्यू पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। फिर सिंपल मशीन के एग्जाम्पल लिखे हमने लीवर पुली स्लोप नेल स्क्रू एक्सेट्रा। अब कॉम्प्लेक्स मशीन सम मशीन मैनी पार्ट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। एग्जाम्पल में लिखा कार बस वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू नेम द मेन टाइप ऑफ सिंपल मशीन। तो उसमें आएगा लीवर पुली फिर इंक्लिनेड प्लेट मतलब कि स्लोप क्वेश्चन नंबर टू नेम द मेन टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो आंसर है लीवर पुली द इंक्लिनेड प्लेन जिसको हम स्लोप कहते हैं फिर व्हील एंड एक्सेल द वाटर व्हील स्क्रू एक्सेट्रा। ओके फिर से आंसर बोल दूं नेम द मेन टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो आंसर है लीवर पुली द इंक्लिनेड प्लेन मतलब कि स्लोप व्हील एंड एक्सेल द वाटर व्हील स्क्रू एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। तो आंसर है अ व्हील इज नॉट अ मशीन। अकेला व्हील कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं है वो है सिंपल मशीन का एग्जांपल। अब जब व्हील के साथ रोड को ज्वाइंट करते हैं रोड मतलब आयरन का रोड तो उस और फिर वो एक्सेल
एक्सल के साथ ज्वाइंट होता है, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं हम व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। फिर से पूरा आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट? तो आंसर है अ व्हील इज नॉट अ मशीन, अ व्हील विथ अ रोड अटैच्ड टू द एक्सल इज नोन एज व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। नाउ नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब हाउ अ वाटर मिल कैन बी यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन। ठीक है, कि वाटर मिल में ग्राइंडिंग कैसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, डिस्क्राइब हाउ अ वाटर मिल कैन बी यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन। वाटर व्हील है जो, वो किस तरह से उसमें ग्राइंडिंग होता है, तो उसका आंसर है अ सिंपल वाटर व्हील यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विथ पेडल्स अटैच्ड टू इट्स रिम। जैसे हम साइकिल चलाते ना, तो कैसे अटैच्ड होते हैं व्हील के साथ पेडल, कि हम पेडल ऐसे करते हैं तो वो साइकिल का व्हील गोल गोल घूमता है, और ये जो है ग्राइंड ग्रेन, और इस तरह से ये ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए भी इस तरह से अटैचमेंट होती है कि वो पैडल से करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो अनाज होता है वो पीस जाता है, दो चक्कियों में पीस जाता है। जैसे हम पैडल मारते हैं तो उसके व्हील गोल गोल टर्न करते हैं। ओके, डिस्क्राइब हाउ अ वाटर मिल कैन बी यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन। तो आंसर है अ सिंपल वाटर मिल यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विद पेडल्स अटैच्ड टू इट्स रिम। नाउ नंबर फाइव, रोड्स ऑन हिल्स आर मेड टू हैव वेरी जेंटल स्लोप्स। हाईवे पर जो रोड्स होते हैं, हिल की बात है, तो वहाँ के जो रोड होते हैं वो ऐसे स्लोपी होते हैं। क्यों ऐसे वो स्लोपी होते हैं?
तो वो स्लोप मतलब इंक्लिनेड प्लेन इज अ वन टाइप ऑफ सिंपल मशीन। ये व्हीकल अगर स्टेपी हो कि ऐसे स्टेप्स वाले हो तो हम वहाँ पर व्हीकल चढ़ा नहीं सकते हैं, और अगर ये स्लोप वाला है तो हम व्हीकल को आसानी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। देखो जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर जो रास्ते होते हैं वो स्लोपी होते हैं ऐसे। तो किस लिए स्लोपी होते हैं? क्योंकि रोड्स ऑन हिल्स आर वेरी स्लोपी बिकॉज द कार कैन इजीली क्लाइंब अप। कार है वो इजीली ऊपर चढ़ सके, इजीली नीचे उतर सके, बट हैज टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस और ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए। देखो अगर स्ट्रेट रखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, अगर स्लोपी रखते तो डिस्टेंस भी कम हो जाता है और आसानी से हम वो हिल को व्हीकल में बैठकर ऊपर चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। अगर वो स्टेप्स होते पगथिया की तरह तो हमको वहाँ चढ़ने और उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। List two ways in which a screw is more useful than a nail. Screw है वो nail मतलब खिल्ली से ज़्यादा useful है। ऐसे दो हम example आपको दे रहे हैं। तो देखो अगर लकड़े के दो पतले पतले आपको लकड़े के पीस दिए जाए और उसको कहे कि nail से join करो और दूसरे को screw से join करो, तो आप दोनों से join करोगे तो जो screw से join किया हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि स्क्रू में क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल करके हम उसको एकदम फिट कर देते हैं, और स्क्रू से जो जॉइंट किया हुआ होता है वो नेल से जॉइंट किए हुए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम एग्जाम्पल देंगे इसके लिए कि इंसर्ट अ वुड, इंसर्ट अ वुड, ओके, फिर इनडोर एंड विंडोज, फिर मैं और भी एग्जांपल दूं ना आपको कि मशीन में भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मशीन्स होते हैं जो मैंने यहाँ दो ही कहे, हमने तीन एग्जांपल लिख दिए। कौन कौन से? इंसर्ट अ वुड मतलब वुड में डालना, अगर हमको वुड के अंदर वो हम ये नेल डालेंगे, नेल मतलब खिल्ली, आयरन की खिल्ली डालेंगे तो वो तो ऐसे निकल भी सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता। पर अगर हम स्क्रू से दो वुड को जॉइंट करेंगे तो क्या होता है, वो एकदम अच्छे से जॉइंट हो जाता है, ठीक है, और एक
खुल भी नहीं सकता, एकदम बाइंड हो जाता है अच्छे से। फिर इनडोर एंड विंडोज, आप दोनों विंडो में स्क्रू लगाए हुए देखोगे। फिर मशीन, आप अपने घर में कोई भी मशीन देखो, मतलब वॉशिंग मशीन देखो, टीवी देखो, वो हैंड ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर देखो, हर जगह आपको स्क्रू दिखेंगे, कहीं भी खिल्ली नहीं होगी, नेल नहीं होगा। तो ये स्क्रू से क्या होता है कि जो भी हम जॉइंट करते हैं वो एकदम अच्छे से जॉइंट हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक वो खुलता नहीं है, एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये हमारे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द स्क्रू जैक वर्क, स्क्रू जैक कैसे काम करता है। तो जब हम कभी बाहर काम जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो अगर हमारी कार में पंचर हो जाता है और आसपास कहीं गैरेज नहीं होता है, तो आप देखना आपकी कार में एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील होता ही है, ठीक है, हवा भरा हुआ एकदम रेडी, ताकि वो जैक स्क्रू से उसको यूज़ करके हम व्हील को बदल सकते हैं। तो वो किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे। और स्क्रू जैक इज़ यूज्ड टू लिफ्ट अ कार टू चेंज इट्स व्हील। ओके, कार का व्हील चेंज करने के लिए, टायर पंचर हो गया है तो वो पंचर टायर को निकाल कर उसके बदले में नया टायर हम लगा देते हैं, ताकि आसपास में गैरेज ना हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ओके, और हम अपने प्लेस पर आसानी से पहुंच पाए। और स्क्रू जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार टू चेंज इट्स व्हील। स्क्रू जैक का यूज है कि कार में व्हील को चेंज करना। व्हेन यू टर्न द हैंडल, जब आप हैंडल को ऐसे टर्न करते हो तो क्या होता है, द स्क्रू ऑफ द जैक टर्न्स अराउंड, अंदर का स्क्रू जो पूरा गोल गोल घूमता है, एंड लिफ्ट द हैवी कार, कार जो हैवी होती है वो एकदम अप हो जाती है, ऊंची हो जाती है, ताकि आसानी से हम उसका व्हील निकाल देते हैं पंचर व्हील, और उसके बदले हम नया व्हील लगा सकते हैं। ओके, तो हमारा लेसन नंबर 23 सेम टू का लास्ट चैप्टर था। ओके, तो इसी के साथ अब हमारा ये सेम टू का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया, हमारा ईएमए का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने सारे लेसन एक्सप्लेन किए, सारे लेसन की एक्सरसाइज हमने अच्छे से लिख दी। आई होप आपने नोटबुक में भी ये सब कुछ अच्छे से लिखा होगा, आप अच्छे से वर्कशीट भी लिख कर लाते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पीरियड से हम सेकंड टर्म के चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप जो भी मैंने लिखवाया है
आप वीडियो भी बार बार देखते रहोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। फिर जो भी एक्सरसाइज में सब कुछ इधर लिखवाती हूँ, ठीक है, सारे टॉपिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, आंसर इन वन वर्ड, नेम दीज, और हमारा लास्ट टॉपिक क्या होता है लेसन का, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमारा लेसन था मशीन्स एंड वाटर व्हील्स, जिसमें दो तरह की मशीन्स की बात की थी, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। हमने दोनों तरह के मशीन के बारे में ब्रीफली स्टडी किया, ठीक है, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन का हमने डिफरेंस भी लिख दिया ताकि आपको वो टॉपिक पे एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हमारा ये लेसन नंबर 23 मशीन्स एंड वाटर व्हील्स कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस अब ओवर हो गया। सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट रिविजन। थैंक यू।